Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Angel ji, aapka bahut bahut istiqbal hai hamare is channel par. Thank you so much. Ji, kaisi hain aap, Angel ji? आपकी आवाज भी एकदम एंजल की तरह है, हालांकि हमने सुना कभी एंजल की आवाज सुनी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है एंजलों की आवाज ऐसी ही होती होगी। थैंक यू। और दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं कि एक्स मुस्लिम एंजल जी जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कुछ एक या डेढ़ महीना पहले, तब तक वो एक कंफ्यूज मोमिना ही थी, वो मुस्लिम ही थी, वो फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर वीडियो देखते देखते उन्होंने, उनको भी समझ में आ गया हकीकत क्या है, और उन्होंने इस्लाम छोड़ा। हम पूरी कहानी सुनेंगे। तो एंजल जी, आपसे, आप जानती हैं कि मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, और उसी पे मैं वही सवालात आपसे दोहराऊंगा, ताकि आप हमारे व्यूअर्स को वो उसके जवाबात बताए, ताकि सभी का उससे फायदा हो और लोगों को पता चले। खास करके चूंकि आप एक फीमेल है, लेडी है, तो जी। बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा होगी, प्रेरणा बनेगी, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताइए, बचपन से लेके आपने जब तक इस्लाम को फॉलो किया तब तक का सफर आपका बताइए। जी, मैं जिस गांव में पैदा हुई वो गांव मतलब हिंदू का ही एरिया था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मुस्लिम, सौ कॉल एक मुस्लिम होता है ना, जो उस टाइप का नहीं है फैमिली, बस नॉर्मल था, हिंदू के बीच में पले बड़े, लेकिन फिर भी कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, हर कुछ जो मुस्लिम एक कर सकता था वो ए टू जेड हम लोग करते थे। पांच टाइम की नमाज, बचपन से ही नमाज पढ़ते थे, और 12 साल का एज था तभी कुरान हम मुकम्मल कर लिए थे, और अच्छा। तब से कंटिन्यू मतलब उसको कर ही रहे, और रोजा भी मतलब जब मुझे होश भी नहीं था, मतलब मेरा, हम बालिग भी नहीं हुए थे उस टाइम से हम रोजा रख रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से मतलब सब कुछ चलते रहा, और बहुत बहुत ज्यादा मेरे घर में अब्बू अम्मी सब लोग नमाज रोजा करते थे, और हर कुछ मतलब जो एक मुस्लिम कर सकता था, टोट नका बाहर जाना, या फिर किसी गैर मुस्लिम से, या फिर किसी से भी बात करना, इस टाइप से एकदम नहीं, मतलब पूरा सलाम मिलना नहीं रहा। और फिर कुछ टाइम बीता, उसके बाद मेरी अम्मी बहुत ज्यादा बीमार होने लगी, और हम लोग मतलब बहुत ज्यादा हम नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, और दुआ करते थे अल्लाह से बहुत ज्यादा बचपन से ही, मतलब इतना अकीदा था कि कुछ भी मांगना है तो अल्लाह पाक पूरा करेंगे ही, और हम बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उस चीज को ठीक कर दें उस चीज को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब फिर भी हम लोग नमाज रोजा हमेशा करते, एक रमजान में हम मतलब 5 कुरान खत्म कर देते थे, और एक रमजान में 5 कुरान, एक रमजान में आप 5 कुरान पढ़ लेती थी, इतना शिद्दत से आप फॉलो कर रही थी इस्लाम को। जी, और सारी मतलब कि रमजान में जो तहज्जुद की नमाज होता है, शायद ही एक दिन हम लोग मिस करते थे तहज्जुद की नमाज, जो मतलब बिना टाइम का होता है, आप 1 बजे 2 बजे मतलब बोलता है कि बस जब सब सो रहा है तो आप उस टाइम जाकर नमाज पढ़िए, अपना नींद भूख चैन सब खो दीजिए अल्लाह की इबादत में, और हमने वो सब कुछ किया। हाँ, हमने मतलब बहुत कुछ किया, रोजा रखे, नमाज पढ़े, और हम बस इतना ही दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा सलामत रखना, मतलब बीमार मत करना, मुझे नहीं पता था उस टाइम कि ये सब भी होता है, बस यूं ही बकवास होता है, लेकिन उस टाइम बहुत दुआ करते थे, लेकिन मेरी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी, बहुत ज्यादा, और उनका कुछ ही टाइम बीता था, उसके बाद फिर मेरे अब्बू मतलब मेरी अम्मी क्या बहुत बीमार हो गई, बहुत ज्यादा, फिर वो चल फिर भी नहीं सकती थी, ठीक है, और कंटिन्यू नमाज मेरी अम्मी बैठ कर नमाज पढ़ती थी, उस स्थिति में भी मेरी अम्मी बैठ कर बिना सजदा किए हुए नमाज पढ़ती थी। अच्छा, तो एंजल जी ये मेरे ख्याल से आपका कैमरा ऑन है, तो उसके वजह से कुछ ऑडियो इश्यू हो रहा है। नीचे देखिए, एक स्टॉप कैम का एक बटन होगा, स्टॉप कैम का बटन दिख रहा है आपको? हाँ, उस पर क्लिक कर दीजिए आप। हाँ,
ठीक है जी, अभी आप अपनी बात रखिए। जी, तो इस तरह से मेरे घर में मतलब सब लोग रोजा नमाज करते थे, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी बहुत बीमार हो गई, फिर भी रोजा रमजान ये सब कुछ को नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ती ही थी। और सब कुछ इसी तरह से बीतते गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे अब्बू को बहुत मतलब पैरालाइज हो गया, ठीक है, और सब बोलता था कि बस नमाज पढ़ो रोजा रखो और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब हाँ, बहुत बहुत रोजा नमाज, रात रात भर हम लोग रोते थे, सारी रात रो करके दुआ मांगते थे, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ा अल्लाह को, ठीक है, कि इतना मतलब कि बच्चा है इतना रो रही है यार, तो मतलब थोड़ा सा तो दया नाम का चीज होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं, मतलब एकदम निर्दय बनकर वो बैठे रहे और फिर मेरे अब्बू का डेथ हो गया। और उस दिन से मतलब जिसको बोलता है ना कि मतलब क्या बोले, मतलब लगता है भोसड़ी के, मतलब क्या सॉरी, लेकिन मतलब वो पल याद आता है तो बहुत गाली आता है मुझसे कि मतलब क्या क्या अल्लाह, कौन सा अल्लाह यार, मतलब बहुत गुस्सा आया कि यार, जबकि वो मेरे अब्बू ही एक थे जो मेरे घर को संभाल रहे थे, ठीक है, वही पूरा फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो अल्लाह पाक तो कुछ सुने ही नहीं, ठीक है, हाँ बस हाँ, वो बस इसी तरह से मेरा लाइफ को मतलब हम लोग सोच, फिर भी फिर कुछ टाइम के बाद जैसे होते हैं ना ये 100 कॉल मुस्लिम, जिससे अगर आप जाकर सामने से बात कीजिए कि आप 5 टाइम में कौन कौन सा नमाज होता है जरा नाम बताइएगा, तो बोलेगा आलू हाँ लहसुन प्याज, घंटा नहीं उसको पता होता है कि 5 टाइम में नमाज का नाम क्या है, ठीक है, लेकिन हाँ हाँ मुस्लिम गिरी उसके अंदर कूट कूट के भरा रहता है, ठीक है। वो उस टाइम का मुस्लिम लोग बोला कि नहीं नमाज पढ़ो, किताब पढ़ो, ये सब चीज ना बहुत जरूरी है करना, तो फिर हम लोग फिर से मतलब उधर ही मुड़ गए, फिर से रोजा नमाज स्टार्ट हो गया, फिर इसी तरह मतलब चलते रहा। फिर मेरे लाइफ में एक ट्विस्ट आया जहां हमको हाँ किसी से प्यार हुआ अच्छा जी, अच्छा मैं एक एंजल मतलब जी एक फिर चीज बता हमको देता हूं। किसी से, मैं हाँ मेरी आवाज आ जी रही है, जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी पर्सनल जानकारी ना दे जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो। बल्कि ये जो हमारी एंजल जी है वो इतनी बहादुर है कि वो कह रही थी कि मैं नाम के साथ या कैमरे के साथ आऊंगी, लेकिन मैंने उनको मना किया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप अपना कैमरा भी नहीं दिखाएंगी, अपने आप को भी नहीं दिखाएंगी। तो आप ऐसी इतनी नहीं, पर्सनल नाम चीज नहीं नहीं लेंगे बताना कि जी जी, नाम ठीक नहीं है। लूंगी, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़का था, उसका सच्चाई जो है बताना चाहते हैं, ताकि हर लड़की जो ये मुस्लिम मुस्लिम पे मरती है ना, उसके चक्कर में अच्छा अच्छा लड़का हाथ से खो देती है, बस उसके लिए एक बात बताना चाहते हैं कि ये जी मुस्लिम जो होता है ना, एक नंबर का घटिया होता है, ठीक है, बस यही बताना चाह रहे थे। तो मतलब वो अच्छा जी मेरी मतलब अब्बू तो फिर मतलब अब्बू तो चले ही गए, फिर मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, जबकि हाँ पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू था, ठीक है, और सब कुछ करने के बाद भी हम एक उर्दू में ही आता है उस्तानिया फुरकानिया ये सब चीजें आती है एग्जाम, ठीक है, वो सब हम क्लियर किए, बोला मौलवी बनना है, वो भी उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दिए थे कि मौलवी बनना है, ठीक है, पर मौलवी क्या बनना यार, कोई दुआ ही नहीं पूरा होता है, कुछ भी मांग लो पूरा ही नहीं होता है, रो लो गिड़गिड़ा लो कुछ भी कर लो, मतलब कि सुनता ही नहीं है, बहरा है क्या है पता नहीं, सुनता ही नहीं है, इतना अजान भी देता है लोग चिल्ला चिल्ला करके दूसरा का नींद खराब होता है, लेकिन अल्लाह का मतलब कान के पास जूं तक नहीं रेंगता ये जबरदस्त था यार। हाँ अल्लाह के कान में जू भी नहीं रेंगती है जी हाँ, जबकि मतलब 5 टाइम वो अजान देता है कि अल्लाह हुआ कर, पर सुनते ही नहीं है, पता नहीं कितना एटीट्यूड में रहते हैं बैठ करके, पता नहीं, ठीक है, और फिर मतलब फुल एटीट्यूड में अल्लाह भी। हाँ तो वो अल्लाह तो कहता है है ही कि ना, झुकेगा तकबर नहीं तकबर साला जो है, हाँ झुकेगा नहीं साला, क्योंकि तकबर जो है वो तो अल्लाह की चादर है। इस तरीके का एक डायलॉग भी तो मारते हैं ना मुसलमान कि अल्लाह जो है जी वो जी जी वही मुतकब्बिर ना है, बात है तकबर करने वाला है। जी
जी, और ऊपर से उन लोग कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे, ठीक है। तो उस टाइम यही मन में आता, और फिर ये बोलते थे कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे राजी है, अगर आपने नमाज छोड़ दिया तो अल्लाह आपसे राजी नहीं है। तो बस अल्लाह से हमको यही पूछना था उस टाइम कि अगर पीरियड के टाइम में अल्लाह कैसे राजी हो जाता है भाई, उस टाइम तो मना वही किए हैं, फिर वो कैसे राजी होते हैं, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, है ना। फिर वो बिल्कुल इस टाइम बस जी कि वो उस टाइम बोलते राजी नहीं है, तो फिर हम लोग बचपन से ये मन में ख्याल आता था कि यार अल्लाह ही ये सब कुछ करते हैं, फिर बोलते गुमराह कर रहे हैं, तो फिर गुमराह तो वही कर रहे हैं ना, जानबूझ करके पीरियड टाइम ला दे रहे हैं, फिर कहते मतलब नमाज स्टार्ट किए तो फिर से ये यही सब चीज मतलब हमेशा माइंड में चलते रहता था। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात है कि एक हम लोग कट्टर मुस्लिम जो होता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पूरा फैमिली नहीं है, क्योंकि हिंदू एरिया में रहे हम लोग, सब लोग मिलकर रहते हैं, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, मतलब सब लोग एक साथ रहते हैं, ये जो मारा काटी फाड़ा वो होता है ना, वो सब नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन कुछ कुछ है गिना चुना वो इंसान वैसा भी वहां पे है जो बस आग लगाने का काम करता है वहां पे भी, तो वो लोग मतलब मुझे किसी, हाँ किसी लड़का से, मुस्लिम लड़का से प्यार हुआ, जबकि कोई हिंदू लड़का भी मुझे लाइक कर रहा था उस टाइम बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन सब सबका कहना था कि हिंदू काफिर है और मुस्लिम मुस्लिम है, चाहे जो भी हो जाए वो मुस्लिम मुस्लिम है, और हिंदू चाहे जितना भी अच्छा हो वो काफिर है, ठीक है, उससे करना ही नहीं है शादी, उससे मतलब उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है तुम्हें। तो हाँ इस तरह की बातें हुई, फिर भी उसके चक्कर में मतलब इतना ज्यादा फैमिली से मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर मिला कि नहीं जब भी करना है तो मुस्लिम लड़का से ही करना है। तो फिर लास्ट में हमने वही, हाँ वो जो लाइक कर रहा था उसे इग्नोर किए क्योंकि वो हिंदू था, और हमने एक मुस्लिम लड़का से शादी कर ली। हाँ, और वो खुद एक नंबर का जाहिल था, गवार था, उसका पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और हम एजुके मतलब पूरा, हाँ, और हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी, और मतलब उर्दू अरबी जितना कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। तो उन लोग का कहना था कि ये मुस्लिम तो है लेकिन ये हमसे नीचा जात की है, ठीक है, ये मुस्लिम अच्छा, का कहना था। जी हाँ, ये मुस्लिम का कहना था, मुसलमानों का। हाँ ओ हाँ कि ये हमसे नीचा है, सबसे बड़ी उन लोग का, ये जो मुस्लिम होता है ना जो दंगा करवाता है, ये लोग में ये चीज ज्यादा पनपता है, हाँ ये लोग में कूट कूट के भरा हुआ रहता है कि ये नीचा है, उसको सताता भी बहुत ज्यादा, टॉर्चर करता है मुस्लिम होकर, मुस्लिम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है ये लोग, ठीक है। वो अच्छा। उसका ये कहना था, और वो मतलब इस चीज को वो बोला कि उसका फैमिली एग्री नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। और जबकि एक बच्ची भी हुई, फिर भी वो मुझे ये बोला कि तुम किसी हिंदू लड़का से बात करती थी इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक ना। वो इस बात पे मुझे छोड़ा, जबकि वो बेवकूफ को ये नहीं समझ आया कि हम हिंदू लड़का से बात करें, चलो मेरी बात छोड़ दो, उसकी एक बेटी है, उसकी इज्जत है, वो छोड़ रहा है तो वो तो पक्का हम हिंदू से शादी करेंगे तो वो भी हिंदू से ही शादी करेगी, ठीक है। तो उसका खुद का इज्जत, लापरवाही के कारण उसका इज्जत खुद का, मेरी बेटी, अब वो ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी का क्या होगा, मतलब वो किस लाइन में जाएगी, और जानबूझ करके मतलब वो छोड़ेगा। हाँ, जी तो यही होता ना, मुस्लिम लोग कहता है क्या कि हिंदू लड़का से नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो अपनी बेटी को जैसे डिवोर्स दे देता है ना, इतना लड़का लोग यही करता है कि जैसे मेरी तो एक है, चलिए कोई बात नहीं, और हम स्ट्रांग भी है, ठीक है, हाँ हम घंटा नहीं जी डरते, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, खास करके ये चूतियों से जो नाम का मुस्लिम होता है ना, उससे मुझे नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से ये लोग मतलब, लेकिन बोलता है कि हिंदू से नहीं करो नहीं करो, तो जिसका 4-5 बच्चा होता है उसको बेझिझक मतलब बिना खौफ बिना डर का डिवोर्स दे देता है, ठीक है, और सीधा बोलता है तलाक तलाक तलाक, ठीक है, ये बोल करके, हाँ उसको लगता है कि आज तुम तीर गढ़ ही दिए हैं, मतलब झंडा गाड़ ही दिए हैं, बस बोल दिया, और उसको मुस्लिम लोग मान भी लेती है कि बस तलाक हो गया, ठीक है, और उस तरह से छोड़ करके उसको चला जाता है।
तो हम फिर वो ये नहीं सोचता है कि उसका बच्चा का क्या लाइफ होगा, तुम जिस रीजन से उसको छोड़ा है क्या वो लड़की का, वो उस बच्चे का वही रहेगा फ्यूचर, नहीं रहता है। मतलब वो कोई हिंदू से शादी करेगी, कोई वेश्यावृत्ति में जाएगी, कोई कुछ भी करेगी, क्योंकि उसका लाइफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा बीच में छोड़ दिया है ना, तो उसको इस तरह से करके छोड़ देता है। और फिर वो लड़की कुछ भी जा रही, तो ये सोचो ना कि तुम जिस तरह से छोड़ रहा है उसे, और बदतर तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बेटी, ठीक है ना, वो हिंदू से जाकर करेगी, किसी से, किसी भी धर्म से जाकर शादी करेगी और कुछ भी बन सकती है, फिर भी ये लोग जाहिल लोग को ना बिल्कुल नहीं समझ पाता। लेकिन एंजल जी, एक चीज लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो भी आपका शौहर था उसने आपको तलाक दे दिया और ऊंची नीची जाति के बारे में वो बोलता था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका पर्सनल उसके अंदर बीमारी हो, क्या बस यही वजह थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, कि आपका शौहर अच्छा नहीं था और आप उसने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दिया, बस यही वजह थी इस्लाम को छोड़ने की, या कुछ इस्लाम में भी आपको प्रॉब्लम लगा? जी बिल्कुल लगा। ये जो होता है ना तीन तलाक, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात रीजन है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है, अल्लाह नाम का कोई चीज है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार, मतलब क्या बोले, वो सुनता ही नहीं है, चाहे रोकर बोलिए, गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर करके बोलिए, वो सुनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी रीजन है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह। ठीक है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह है। हालांकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी और नमाजें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमजान में 5-5 कुरान आप खत्म कर रही थी पढ़ के, यानी इतनी इबादत करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो तो फिर जाहिर सी बात है एक इंसान को तो ये लगेगा ही। फजर की नमाज के बाद, मतलब फजर नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़े देर के बाद चाश्त की नमाज, तो मतलब जितना होता है ना नमाज, चाश्त की एक नमाज होती है वो नमाज पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाकिया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे। ठीक है, बस एक ही दुआ मांगते थे कि मुझे मेरे शौहर मिल जाए, ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए, मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए, बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हैं और आप सच में काफिर से नफरत करते हैं, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए, ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में मतलब काफिर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए, ताकि हम इस्लाम में रह सके, जन्नत में जा सके, ताकि मुझे हाँ जहन्नुम की आग से बचाया जा सके, बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह, तो बस इसीलिए मुझे नफरत हो गया, नफरत जिसको बोलते हैं ना नफरत। जी लेकिन एंजल जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इस रहा है क्या डबल बीमा मिले हमको LIC नहीं चाहिए यार अच्छा LIC नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, मतलब क्या, जैसे LIC होता है ना कि आपको एक, मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा, मुझे जरूरत आज है, मुझे जरूरत आज है, ठीक है मुझे बाद में नहीं चाहिए यार, बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ, मुझे नहीं चाहिए। सही बात, बाद में उतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम खुद वो चीज खुद कर सकते हैं, मुझे जरूरत, जैसे आप मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मुझे एक बैताखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए, अगला आदमी कहता है कि जब ठीक होकर के आओगी ना तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे बाबू इसका क्या मतलब है, मतलब इसका क्या मतलब है यार उस मतलब उस टाइम का हमको ये बताइए ये कि लिए LIC वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था, आप इतना मतलब यानी
फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही। अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई LIC जैसा नहीं चाहिए मुझे, डबल आज की तारीख में जिंदा है आज इधर चाहिए। मतलब क्योंकि हम ना LIC करा कर भी छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा अच्छा हमारे साथ का नुकसान चाहता है। जी हमारे साथ एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई, एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम। लेकिन मुन्ना भाई एंजल जी बोल रही है कि कई बार यानी इतनी इबादत की इन्होंने, तहज्जुद पढ़ी और सब कुछ किया, लेकिन एक भी दुआ अल्लाह इनकी कबूल ही नहीं किया, क्या मांग रहा है? अल्लाह को फ्यूचर की बहुत चिंता है, अल्लाह उधर ही ऊपर ही देने वाला है सब अजर, इधर दुनिया में कुछ नहीं देने वाला, दुनिया में टुल्लू देगा समझे। बाबा जी का घंटा भाई डिसेंट लैंग्वेज में बोला मैंने, नहीं बोला। अच्छा मुन्ना भाई, कभी कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे LIC होती है, अभी अभी भरते जाओ और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा, वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह। भाई LIC में तो कंफर्म मिलेगा तभी कम से कम, समझे। LIC में कंफर्म तो मिलेगा भाई, समझे। इधर कंफर्मेशन ही नहीं है ना, कंफर्मेशन देता तो मैं और तुम एक्स मुस्लिम थोड़ी बनते थे। सही बात है, समझे। एक्स मुस्लिम बनती ही नहीं पब्लिक, और ये लफड़े भी नहीं होते इसको उसको मारने वाले। बोले इधर ही यही भगवान के पास सबसे ज्यादा पावर है भाई, इधर ही सब लाइन लगाते थे। हाँ सही बात है जी, लेकिन सबसे ज्यादा पावर है भाई। रीजन दे देते हैं ना। जी जी तो एंजल जी एक तो ना कि ऐसे में जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं जैसे कि कहते हैं ना वो लोग, वही लोग कहते हैं ना कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम इतना नमाज किताब कर रहे हो तो 100% तुम्हारे लिए जन्नत वहाँ फिक्स है, आला मकाम दर्जा हासिल है, ठीक है। एक वहाँ तुम अपना लिए घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, जन्नत में तुम्हारा एक मकाम मकान तैयार हो रहा है, ठीक है। वो लोग ये कहते हैं, मतलब हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? मतलब हम लोग के पास तो इतना नॉलेज होता नहीं, मुफ्ती के पास, मौलाना के पास, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के बातों पे चलते। वही लोग तो कहते हैं जब नमाज पढ़ रही है तो मतलब अल्लाह राजी है, नमाज कटा अल्लाह नाखुश, ठीक है। तो इसका हाँ, मतलब हमने तो इतना किया तो पक्का वहाँ LIC बीमा मेरा फिक्स है, ठीक है। लेकिन चाहिए ही नहीं यार, वहाँ का चाहिए ही नहीं। हाँ, उधर के लिए बाद में कमाएंगे। हाँ नहीं, फिर तब तक शायद हम स्ट्रॉन्ग हो जाए, अभी जरूरत है मुझे। जैसे बोले ना कि अभी मुझे बैसाखी की जरूरत है, तो अभी अगर अभी आप ला कर दे दिए तो हम बैसाखी के जरिए चलकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इलाज कराकर एक दिन में ठीक हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम खुद कर लेंगे यार, बिल्कुल खुद खरीद लेंगे जाकर कमाकर, ठीक है। उसी तरह से तुम, लेकिन अल्लाह पाक कहते नहीं, मतलब वही मिलेगा सब कुछ, चाहे तुम यहाँ मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वही मिलेगा। क्यों मिलेगा यार, नहीं चाहिए वहाँ का मुझे, कुछ नहीं चाहिए, अपने पास यही तो एग्जाम, ऐसा ही तो एग्जाम लेता है अल्लाह, टोटल एग्जाम ही चालू है, ऐसा ही एग्जाम चालू है उसका, समझे। ये एग्जाम है बोलते हैं, अगर अपन मुफ्ती को पूछेंगे ना, बोले ये एग्जाम चालू है, दुनिया में तुम टेस्ट देने के लिए आए हो, टेस्ट ऐसा है खत्म ही नहीं होता है, ये खाली खुद की तसल्ली है, खुद को झूठी तसल्ली देने का सिस्टम है। और एक बात और साहिद भाई, ये सुभान अल्लाह जितने बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जितनी बार तुम सुभान अल्लाह बोलोगे उतनी बार जन्नत में सुभान अल्लाह की जगह पे एक ईंट रखी जाती है तुम्हारे घर बनाने में, सुभान अल्लाह बोलते जाओ ईंट लगते जाएगी, सुभान अल्लाह बोलते जाओ घर में ईंट लगते जाएगी, ऐसा जन्नत में पूरा पूरा वही सिस्टम है। यहाँ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद पूरा सब मिलेगा। मुफ्ती मेन का बयान सुन रहा था, मुफ्ती मेन का मैं आज, समझे। मुफ्ती मेन साहब कहते हैं कि बहुत लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और उनके पास भी यही रीजन था कि दुआ कबूल नहीं होती, बोले इसके लिए लोग ईमान छोड़ रहे, बहुत लोग मुसलमान ईमान से ये हो रहे, खारिज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कबूल कर लिया कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे क्योंकि अल्लाह का पावर खत्म हो गया,
पावर था कि नहीं था, पावर तो कब का जीरो हो गया पावर। अच्छा ये अमन अमन अग्रवाल जी का एक बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सुपर चैट आया, कह रहे मुन्ना भाई और डेंजर दीदी आज तो तबाही आज तबाही। अच्छा 5,800 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तबाही वाला जो स्ट्रीम है इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं वहां पे आप लोग शेयर करिए, और जितने लोग सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।